से लोग जो लगे हुए हैं वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ मंदिर नहीं, रोजगार भी चाहिए। जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो अगर सरकार नहीं देगी तो क्या हम दूसरे देश को कहेंगे? क्या हम पाकिस्तान को कहेंगे, चीन को कहेंगे, बांग्लादेश या नेपाल को कहेंगे कि हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो? आज चिट्ठा इतना हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में दम है तो चिट्ठे को खत्म क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हर तीसरे दिन हमारे इलाके के 5 बच्चे नशे की आड़ में जाकर खत्म हो रहे हैं। कौन रोकेगा? इस एडमिनिस्ट्रेशन को कौन ऑर्डर करेगा? थानेदार को कौन बोलेगा? एसपी को कौन बोलेगा? डीसी को कौन बोलेगा कि इस नशे को खत्म करो? इन्होंने एक ये जो जूथ आया हुआ है, ये हमारी हीरानगर कांस्टिट्यूएंसी से आया है।
कोटा से लेके चढ़वाल अपना बविया रायबाग ये पूरे इलाके से जो जूथ आया है ये सिर्फ तो सिर्फ चौधरी लाल सिंह का स्वागत करने के लिए आया हुआ है कि चौधरी लाल सिंह जी हमारे हिनर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटर करेंगे और वो एक लोगों के साथ टच होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे। तो उसके लिए हम अब नगरी पे पुल के पास पंडोरी के पास खड़े हुए हैं। तो चौधरी साहब का जलसा चल रहा है जहाँ पे नगरी में, जैसे भी वो आते हैं उनका स्वागत करने के लिए हम उनके साथ चलेंगे। और चौधरी साहब तकरीबन पूरी हिरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पूरा घूमेंगे और सभी लोगों से मिलेंगे, क्योंकि लोगों की खासकर बॉर्डर पे कंडी में चौधरी साहब मिल चुके हैं लोगों से, और बॉर्डर वालों की ये डिमांड थी कि चौधरी साहब को एक बार लेके आओ कि चौधरी साहब ने हमारे बहुत काम किए हैं। जो बॉर्डर पे जो तार थी वो उन्होंने खुद फैसला लिया था कि हम तार उखाड़ के आगे लेके जाएंगे, और चौधरी साहब 40-45 किलोमीटर पैदल चले थे, तो एक बार चौधरी साहब को लेके आओ। तो चौधरी साहब ने मन बनाया कि मैं क्यों ना आऊँ, मैं तो लोग ना अगर नहीं बुलाते मैं तो भी आता, लेकिन लोग आज बुला रहे हैं, मैं लोगों से मिलूंगा, चाहे उसके लिए रात के 12 बजे 2 बजे वो आएंगे। इसलिए जूथ जो है आपको पता है, जूथ कहीं ना जूथ अपने आप को ये महसूस करता है कि हम इस देश में हैं या नहीं है।